हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम हानिया आमिर की इस ड्रेस का जो दुपट्टा है इसको रिक्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे पास ये लेस है और ये देख सकते हैं आप लोग, जो हमने पैंट बनाया था उसका फैब्रिक बचा हुआ है। ये साटन फैब्रिक है जो कि मैं आधा मीटर लेके आई थी, और ये नेट का फैब्रिक है जो कि मैंने इसको लिया है 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर हमें दुपट्टा रखना है, आप चाहें तो 3 भी रख सकते हैं, बट मैंने 2.5 मीटर रखा था इसलिए। और ये हमारे पास कुछ नेट थी जो फ्लावर बना हुआ था, तो हम इसमें से कटिंग करके इस फैब्रिक पे रख के फ्लावर बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पट्टियाँ काट लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1-1 इंच की पट्टियाँ काटूँगी, जो कि हमें अपने दुपट्टे के चारों बॉर्डर पर लगाना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 इंच पर निशान लगा के हमें अपनी पट्टियों की कटिंग कर लेनी है। तो पहले मैं इस पर निशान लगा लेती हूँ, इसके बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी को रख के बाकी पट्टियाँ हमें काटनी है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें 7 से 8 पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद हम इसमें नेट फैब्रिक पे रख के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमें इसे चारों तरफ लगा देना है, और इसके बाद हमें इसके ऊपर नीचे लैस लगानी है। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने नीचे भी लैस लगाई है। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ लगा के किस तरीके से मैंने लगाया है। तो निशान लग गए, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पर 7 से 8 पट्टियाँ कटिंग करी हैं। और अब हम इसको अब मैं आपको सब अटैच करके नेट के फैब्रिक पे लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से आपको सारे नेट पे चारों तरफ बॉर्डर बॉर्डर लगा देना है। अब हम इसके नीचे साइड से पहले लेस लगाएंगे। हमें उल्टी तरफ रख के लेस लगानी है, उल्टी तरफ रख के फिर हमें ऊपर की साइड लेस लगानी है। ये देखिए इस तरीके से हमें लेस लगा के इसको ऐसे मोड़ देना है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पूरे में लेस लगाने के बाद ये कैसा लगता है। तो ये देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर लेस लगा दी है। अब हमें इसी के ऊपर साइड लेस लगानी है। तो टोटल यहाँ पर मुझे जो लेस की ज़रूरत पड़ी थी वो 16 मीटर लेस लगी थी यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लेस लग के कंप्लीट हो चुकी है, लगभग ये कंप्लीट हो चुके हैं। बस इसमें हमें पैचेस लगाने, तो पैचेस के लगाने के लिए जो मैं साटन फैब्रिक लाई थी वो यूज़ करेंगी, और जो मैंने आपको फ्लावर दिखाया था उसका यूज़ करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लिया है और कुछ बीड्स लिए हैं। तो ये जो हमारे पैचेस हैं इसमें से हम फ्लावर को कट करेंगे। तो सबसे पहले हम छोटा वाला फ्लावर ले लेते हैं, छोटे वाले फ्लावर को कट कर लेते हैं, उसके बाद हम बड़े वाले फ्लावर को कट करेंगे। छोटे वाले जो फ्लावर है हमें पूरे दुपट्टे में लगाना है, और जो बड़ा फ्लावर है वो सिर्फ हमें दुपट्टे के कोने कोने में लगाना है। तो अब मैं यहाँ पर बड़े वाले की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान से कटिंग करना है जिससे हमारा फ्लावर ना कट जाए। तो देख सकते हैं आप लोग, फ्लावर की कटिंग हो गई है। अब हमें इसको सैटन फैब्रिक के ऊपर रख के, मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ आपको, ये देख सकते हैं सैटन फैब्रिक के ऊपर रख के 2 पिन की हेल्प से इसको अटैच कर देना है, और इसके बाद फिर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको अटैच कर लिया, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। लेकिन कटिंग बहुत ध्यान से करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फ्लावर ही कट जाए, तो इसलिए बहुत ध्यान से कटिंग करना है। ये देख सकते हैं मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको कटिंग करना है। तो मैं आपको कटिंग करके फिर दिखाती हूँ। ये यहाँ पर कटिंग हो गई है मेरी, तो मैं इसमें से जो पिन लगाई थी वो हटा देती हूँ। ये देख सकते हैं इस तरीके से मेरी कटिंग होकर कंप्लीट हुई। इस तरीके से मुझे 4 पेचेस जो हैं निकालने हैं, उसके बाद मुझे 4 पैचेस को दुपट्टे के कोने में लगाना है। तो मैं इसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर अटैच कर देती हूँ। बट एक चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो फैब्रिक ग्लू लगाएंगे आप वो बिल्कुल कोने में होना चाहिए। अगर कोने से थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा देंगे तो जब आप उसको पेस्ट करेंगे तो वो सूखने के बाद बहुत गंदी लगेगी, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको बनाते वक्त मैंने ये गलती कर दी थी, इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगी आप लोग ये गलती मत करना, बिल्कुल इसको कोने कोने में लगाना, क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत गंदा लगता है।
तो अब मैं इसको, हमारी यहाँ पर ग्लू लग के कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं इसको इसमें पेस्ट कर देती हूँ। बहुत ही आराम से पकड़ के आपको पेस्ट करना। अब हम इसे 2 चार मिनट के रेस्ट के लिए रखेंगे। तो जब तक हम इसके ऊपर जो हमारे पास बीट्स हैं हम उनको लगा देंगे ग्लू की हेल्प से। और अगर आपके पास आयरन ना हो बीट्स लगाने वाला, तो आप इस तरीके से भी इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैं किस तरीके से बीट्स को लगा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी फैब्रिक ग्लू है उसको अंदर से थोड़ा सा ग्लू निकालना है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। थोड़ा सा अगर आप ग्लू निकालेंगे ना, तो वो जो हमारे बीट्स हैं उनमें चिपक जाएगी, तो इजीली वो ग्लू गन में चिपक जाएगी। इसी तरीके से आपको एक एक करके बीट्स लगाते जाना है। ये देखिए इस तरीके थोड़ा सा ग्लू निकालेंगे और जो हमारे बीट्स हैं उस पर टच करेंगे, तो टच करते के साथ ही वो हमारी फैब्रिक ग्लू की जो बोतल है इसमें चिपक जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक एक करके लगा देना है। ये अच्छा तरीका है अगर आपके पास अगर आपके पास आयरन ना हो, तो इस तरीके से आप लगाते जाए। अब हम दूसरा पैच लगाएंगे, तो दूसरे पैच को भी सेम प्रोसेस के साथ फैब्रिक ग्लू की हेल्प से हम इसको भी दूसरे कोने में पेस्ट कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। ये देख सकते हैं अब हम तीसरे कोने पे लगाएंगे और यही पैचेस हमें चौथे कोने पे लगाना है। तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पर बनके कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हमें ये जो हमारे छोटे वाले फ्लावर है इन पे ग्लू लगा के हमें इनको बीच बीच में पेस्ट कर देना है। आपको कहाँ लगाना है, कितनी दूरी पे लगाना है, ये आप लोगों को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमें पूरे दुपट्टे पे लगाना है और हमने लगा के कंप्लीट भी कर लिए। तो अब हमें ग्लू, फैब्रिक ग्लू की हेल्प से सारे बीट्स को लगाना है। तो इस तरीके से देखिए मैं पहले ग्लू लगा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए अब हमें ग्लू की जो बोतल है उसी से एक एक बीट्स को उठाते हुए इसमें चिपकाते जाना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ करके। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट किया हुआ है ताकि जल्दी हो जाए। तो इसी तरीके से आप लोगों को सारा फ्लावर में जो बीट्स लगाना है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं मेरी है ये वाला जो फ्लावर है ये कंप्लीट हो गया है। और हमें जो बीच में एक शीशा जो होता है, छोटे छोटे जो बारीक वाले शीशे होते हैं वो लगा देना है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी फ्लावर हैं तो सब में हमें बीट्स लगानी है। तो मुझे यहाँ पर टोटल 24 फ्लावर की ज़रूरत पड़ी थी, तो मेरे पूरे दुपट्टे में 24 फ्लावर लग के कंप्लीट हुए हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना आपको कितना फ्लावर चाहिए। तो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ये जो दुपट्टा है हानि आमिर का इंस्पायर्ड जो दुपट्टा है ये बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।